जो कि अब से की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जो कि आप लोगों को बताया था मैंने कि हस्बैंड जी भी आ सकते हैं। अब से एक ना अभी अपनी दादी के साथ जा रखे दादी के साथ खेल है। इतनी हर गर्मी हो रही है, मेरे ना कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि अब से एक ना किसी के पास रही नहीं रहा। तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनीता अवग्या, स्वागत आपका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 10:45 बजे से, और अभी मैं आराध्य को रेडी कर रही हूँ जो कि हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश के लिए ना अभी 11 बजने वाले हैं और 11 बजे तैयार हो रहे हैं। मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, अब से को भी नहीं किया है, पहले मैं आराध्य को करूँगी रेडी, फिर अपना होंगी और फिर अब से करूँगी पहले आराध्य को, फिर अपना, फिर अब से को, क्योंकि अब से को ना कपड़े गंदा कर देगा होता था। और क्योंकि ना कल गाड़ी आई नहीं तो इसलिए दादाजी अभी आएंगे नीचे से और अभी हम नीचे को जाएंगे। तो चले जी फटाफट से रेडी होते हैं, और दादाजी ने बोला है 11:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो होता है बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, तैयार करने में। तो चले जी तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। चले जी हो गए हम तैयार और आज जा रहे हैं अमरीश के, जो कि अब से की तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जो कि आप लोगों को बताया था मैंने कि हस्बैंड जी भी आ सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन जैसे जैसे पता चलेगा आप लोगों को बताते रहेंगे। हालांकि अब से एक मैंने तैयार कर दिया है, खुद भी हो गई हूँ, आरती को भी कर लिया है। आज के मौसम की बात की जाए तो धूप भी खिली है, किसी किसी बार बादल भी आ रही हैं, कोहरा भी लग रहा है। तो चौमास के टाइम पर ऐसे ही होता है, कभी बारिश तो कभी धूप, अभी धूप तो अभी 5 मिनट बाद बारिश, ऐसे ही होता है। कि ऋषिकेश में कितना टाइम लगता है हमें, और उसी के बाद होगा यहाँ का मतलब पहाड़ों का नज़ारा, तभी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखते हैं कितने दिन तक हम वहाँ रहते हैं, और जैसे ही डॉक्टर जी बोलेंगे वैसे ही रहेंगे। और अगर आराधिक पापा आएंगे तो थोड़ा बहुत रह सकते हैं, अगर नहीं आएंगे तो जल आ सकते हैं, ये करके हैं। तो जैसे ही डॉक्टर कहेंगे और अब से की तबीयत रहेगी उसी पर निर्भर है, उसी हिसाब से आएँगे हम घर। तो चले जी, गाड़ी वाले भी पता नहीं कहाँ पहुँचे अभी दादाजी, तो जैसे ही गाड़ी आएंगी वैसे ही हम भी चलना स्टार्ट कर देंगे। हरा देख दे, अरे दे देखो। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, सफर में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए अभी चंबा से थोड़ा आगे।
और यहाँ पे रुके हैं लोग, चाय पानी पी रहे हैं। मेरे अब से को भी पसीना हो रही है और आदो को भी पसीना हो रही है। आदो आज अपनी दादी के साथ बैठी है, अपनी दादी की गोदी में। आदो हाय गाइस, क्या हो रही, गर्मी गर्मी हो रही ना बोलने के साथ में, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या ही बोले, देखो अब से को भी गर्मी हो रही है और लोग कोई कोई ना चाय पीने चले गए हैं, जैसे दादाजी ड्राइवर दादाजी। अब से एक ना अभी अपनी दादी के साथ जा रहा है, किसी किसी मंगवा चाय अब पता किसी। चले दोस्तों, हम तो पहुंच गए थे लगभग 6 बजे यहाँ। और देखो कैसी गर्मी हो रही दोस्तों, लेकिन मेरी हालत ना डाउन हो गई। अब से एक हालत इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना, मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि अब से अगर ना किसी के पास रही नहीं रहा, ना ही नीचे रह रहा। इसको देखो ये तो ऐसे खेल रही है यहाँ पे, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये आराम से खेल रही दादा के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ। लेकिन इसकी हो रही मुश्किल, ये किसी के साथ नहीं रह रहा। तो बोला मम्मी गोदी करो मेरे को बस है। मेरी देखो पसीना से पूरी हालत, इतनी गर्मी है भाई यार इसी केस में। भाई बोले बाप रे, हम पहुंच गए थे लगभग 6:30 बजे और उसके बाद हमने खाना पीना खाया और उसके बाद ऐसे ही होता है थोड़ा बैठे रहे साथ। और अभी खाना बनाने का टाइम हो रही हो गया है, सासु जी रोटियाँ लगा रही हैं, क्योंकि मैंने लगाना था कहाँ से लगाई ये रही नहीं रहा नीचे, तो सासु जी बोल रही तुम भरोसे संभालो मैं खुद ही बना दी।